जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका एक नए सफ़र में। स्वागत है आपका सहरसा ज़िले के सहरसा रेलवे स्टेशन पे। तो आइए चलते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं और आज की जो जर्नी होने वाली है अपने सहरसा जंक्शन से लेके और अमृतसर के बीच में चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस में। तो आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर, उसके बाद शुरू करेंगे जर्नी। और बात करें सहरसा की तो सहरसा फेमस है माँ उग्रतारा स्थान मंडन धाम के लिए, जो यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सहरसा इसके लिए काफ़ी फेमस है, माँ शक्तिपीठ है यहाँ पे। तो आइए दिखा देते हैं आपको कैसे जाना होगा और कितना दूरी है क्या है, उसके बाद आपको ले चलते हैं सहरसा का एक झलक दिखा के और चलते हैं स्टेशन के अंदर। माँ उग्रतारा स्थान मंडल धाम महिषी। और ये रहा सहरसा जंक्शन का बाहर का सुबह सुबह का कुछ शानदार नज़ारा। दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है सहरसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और यहीं से आज शुरू करेंगे जर्नी, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे सहरसा से और देखते हैं गोरखपुर तक इरादा है जाने का, लेकिन देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बीच में हमको दूसरी ट्रेन भी पकड़नी है। तो जहाँ से सुविधा होगा अपना चेंज कर देंगे। लेकिन बात करें इस ट्रेन की 14617 जिसका नंबर है, ये चलती है अपने बनमनखी से और अमृतसर के बीच में। बनमनखी से चलती है सुबह 6:30 बजे और अगले दिन आपको पहुंचाती है शाम को 5 बजे अमृतसर पे। तो बात करें तो ट्रेन तो काफ़ी अच्छी है और बनमनखी से अमृतसर तक पहुंचाने के लिए ये समय लेती है टोटल 35 घंटे का, तो काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। हम इसमें यात्रा करेंगे सहरसा से और ले चलेंगे आपको गोरखपुर तक। तो बने रहिए जर्नी में और आइए शुरू करते हैं जर्नी। चलते हैं LHB रेक के साथ चलती है अपनी और आइए चलते हैं, इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। और यहाँ से सहरसा से इसके चलने का टाइमिंग है सुबह के 8:45 पे। तो आइए शुरू करते हैं जर्नी। दोस्तों सहरसा से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है 10 मिनट की देरी से, 8:45 पे टाइमिंग था और 8:59 यानी 15 मिनट देरी से। आप टाइम देख सकते हैं 8:59 हो चुका है। सहरसा जंक्शन, बाय बाय सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर, तो स्वागत है आपका सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पे। और ये अपना स्टेशन पड़ता है सहरसा ज़िले में और मात्र 16 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है हमने और आ चुके हैं सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पे। और बात करें सिमरी बख्तियारपुर की तो SVV इसका स्टेशन कोड हुआ और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन। 38 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है, ना कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। बाकी यहाँ पे अपने 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तो दोस्तों सिमरी बख्तियारपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और बात करें इस ट्रेन की तो इस ट्रेन को कोविड की वजह से काफ़ी साल बंद थी और काफ़ी वर्षों बाद इसको फिर से चलाया गया है, जो अपना मनमखी से लेकर अमृतसर तक जाती है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है और LHB युक्त ट्रेन है। तो सिमरी बख्तियारपुर आप देख सकते हैं यहाँ डिपार्चर इसका। Thank you.
जानकी एक्सप्रेस जो जयनगर से चल के मनिहारी को जाती है, बदला घाट स्टेशन पे स्किप कर रही है जानकी एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छी ट्रेन है। खगड़िया जंक्शन बेगूसराय जाना है, बैठिए ना फिर बेगूसराय उतर जाइएगा, जूठे यहाँ उतर क्या करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अपने खगड़िया जंक्शन पे भीड़ देख लीजिए, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बोर्ड करने वाले हैं। और खगड़िया जंक्शन का एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और टाइम देख लीजिए 10:29। और यहाँ पे अपनी ट्रेन एकदम पैक हो जाएगी क्योंकि अभी तक ट्रेन खाली थी, यहाँ पे अपनी ट्रेन पैक होने वाली है। तो स्वागत है दोस्तों आपका खगड़िया जंक्शन पे। और सहरसा से चलकर खगड़िया तक हमने अभी तक डिस्टेंस कवर किया है टोटल 50 किलोमीटर का। ट्रेन आ चुकी है खगड़िया जंक्शन पे 10:30 पे, और यहाँ पे इसके आने का टाइमिंग था 10:15, यानी 15 मिनट लेट आई है। और खगड़िया जंक्शन की बात करें तो KGG इसका स्टेशन कोड हुआ, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 111 ट्रेनें यहाँ से हॉल्टिंग करती हैं, दो ट्रेनों का यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, दो ट्रेनें टर्मिनेट करती हैं। बाकी खगड़िया अपना पड़ता है गंडक, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे अपना खगड़िया पड़ता है। और खगड़िया बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 7 नदियों के बीच में बसा हुआ है। तो बाकी अपने ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद इसका डिपार्चर दिखा देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज पे। खगड़िया जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज बेगूसराय में। खगड़िया जंक्शन बेगूसराय करेंगे डाउन साइड से मालगाड़ी पर। और ये है बेगूसराय का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और समय देख लीजिए 11:24। और यहाँ भी काफी संख्या में लोग बोर्ड करने वाले अपने ट्रेन में। तो स्वागत है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार यानी बेगूसराय जिले में। और ट्रेन अपनी आ चुकी है बेगूसराय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और समय हो रहा है 11:25, यानी यहाँ पे इस ट्रेन का आने का टाइमिंग था 10:56, और ट्रेन अपनी आधे घंटे लेट हो चुकी है। स्टेशन कोड की तो BGS इसका स्टेशन कोड हुआ, और 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 84 ट्रेनों का हॉल्टिंग होता है यहाँ पे, ना ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, बाकी ट्रेन डिपार्च होती है तो दिखा देते हैं और मिलेंगे आपसे सीधा बरौनी में। पहले बेगूसराय की, तो बेगूसराय अपने हिंदी के महान कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान भी है। और आप अगर UP बोर्ड या बिहार बोर्ड या हिंदी के छात्र होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान आपको यहाँ पता होगा और जानते होंगे। तो मात्र 2 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बेगूसराय से।
बेगूसराय, बाय बाय बेगूसराय। बरौनी जंक्शन समस्तीपुर के रास्ते और ये है बरौनी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 7। हाँ, बरौनी जंक्शन पे, और बात करें बरौनी जंक्शन की तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 9 BJU इसका स्टेशन कोड हुआ, और 144 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं ट्रेनें, और 15 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 15 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो अपना बरौनी जंक्शन पड़ता है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन में। बाकी अपने ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, और इसके बाद ट्रेन का आपको डिपार्चर दिखा देते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ आ चुकी है अपनी आनंद विहार से जयनगर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। तो दोस्तों बरौनी से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। बरौनी जंक्शन, बाय बाय बरौनी जंक्शन। तो दोस्तों मौसम हो चुका है काफ़ी सुहावना, और बात करें इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की तो 1 SLR का कोच है और 17 जनरल कोच है, यानी टोटल कुल मिला के 18 कोचों की ट्रेन है। बाकी मौसम का आप देख लीजिए, और यहाँ से हाजीपुर के किले आपको दिखाई देंगे क्योंकि जोन अपना शुरू हो चुका है हाजीपुर। और बात करें इस ट्रेन के किराए की तो हमको इसका किराया पड़ा सहरसा से गोरखपुर तक 150 रुपया, और अगर आप सहरसा से अमृतसर जाते हैं तो इसका किराया पड़ेगा आपको 380 रुपये। तो ये थे किराए कंपोजिशन। और दोस्तों देख लीजिए बारिश लग चुकी है, और बाहर का नज़ारा काफ़ी शानदार और आकर्षक है, और कैमरे पर पानी आ रहा है। हाजीपुर जंक्शन, और हाजीपुर जंक्शन का यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1। और यहाँ पे लोगों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चढ़ने वाले हैं अपने बोर्ड में, ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं। दोस्तों आपका छोटे वाले पीले केले के लिए मशहूर हाजीपुर जंक्शन पे, और हाजीपुर पड़ता है अपना वैशाली ज़िले में, बिहार के वैशाली ज़िले में। और बात करें स्टेशन की तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और 155 ट्रेनें यहाँ हॉल्टिंग करती हैं, ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। बाकी हाजीपुर पड़ता है अपना ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन में, और यहाँ पर अपने ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए कि सीतामढ़ी की तरफ जाती है, एक लाइन सुगौली की तरफ जाती है और एक लाइन अपना मुजफ्फरपुर की तरफ कटती है, तो जंक्शन पॉइंट होने के साथ साथ अपना एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है अपना हाजीपुर। बाकी यहाँ पे अपने ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद डिपार्चर आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हाजीपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और नेक्स्ट स्टॉपेज है सोनपुर जंक्शन, लेकिन सोनपुर जंक्शन को स्किप करते हैं और मिलते हैं आपसे छपरा में। हाजीपुर जंक्शन, बाय बाय।
छपरा जंक्शन, और छपरा जंक्शन का यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। हरसा से 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं छपरा जंक्शन पे, और छपरा जंक्शन की बात करें तो CPR इसका स्टेशन कोड हुआ, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे आने का टाइमिंग था 3:55 पे, और ट्रेन आई है 4:55 पे, यानी 1 घंटे पूरे लेट। और टिकट तो हम लिए थे गोरखपुर जाने के लिए, लेकिन छपरा से ही अपनी एक दूसरी ट्रेन है, इसीलिए अब गोरखपुर जाएंगे वापस आएंगे तो हमको काफ़ी लेट हो जाएगा, इसीलिए इस जर्नी का हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।